हेलो एवरीवन, वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आज हम लोग एक ट्रिकी अंदाज में एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो कि हर कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेरिक ऑक्साइड। हम इम्पोर्टेरिक ऑक्साइड को चुटकियों में जानेंगे, एक हमारे स्ट्रॉन्ग फार्मूले समझानेंगे। हमारा जो स्ट्रॉन्ग फार्मूला है वो फार्मूला है पंजाबी बंगाली असमी सॉन्ग सब जन गाया करो अलग। मतलब पंजाबी बंगाली असमी सॉन्ग सब जन गाया करो अलग, इस सॉन्ग को अलग गाना है। मतलब भाई पंजाबी गाना पंजाबी वाले गाते हैं मैक्सिमम, बंगाली गाते हैं, असमी गाते हैं, और अलग सब गाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे गाने पर आपके लिए क्या कहिए फार्मूला बनाए हुए ऑक्साइड को। पंजाबी का मीन्स होता है लेड। क्या होता है? लेड होता है। बंगाली का मीन्स होता है बेरिलियम। असमी का मीन्स होता है आर्सेनिक। सॉन्ग का मीन्स होता है टीन। सब का मीन्स होता है एसबी लेड। जन का मीन्स होता है जिंक। गाया का मीन्स होता है गैलियम GA। करो का मीन्स होता है क्रोमियम CR। अलग का मीन्स होता है एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम। ये हमारे एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं वो इम्पोर्टेरिक में पाए जाते हैं। तो आप अगर इन सभी को देखेंगे तो इम्पोर्टेरिक में पाए जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इसमें इम्पोर्टेरिक का नेचर कौन होता है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो PbO4 इम्पोर्टेरिक में आता है। आपने सुना होगा Al2O3 इम्पोर्टेरिक में आता है, जो कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। बेरिलियम पर देखा जाए तो बेरिलियम ये होता है इम्पोर्टेरिक। लेकिन प्रश्न होता है इम्पोर्टेरिक होता क्या? इम्पोर्टेरिक का मीन्स होता है कि जो जिस भी ऑक्साइड में एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बोथ बिहेवियर अगर हो तो वह इम्पोर्टेरिक होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिडिक बिहेवियर है कि बेसिक बिहेवियर है। तो अगर कोई भी ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक बिहेवियर का होगा तो वो क्या काम करेगा? दोनों बिहेवियर का होगा तो वो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। जैसे जनरली हमने पढ़ा होगा, एक जनरल वर्ड में हमने पढ़ा होगा कि जो एसिड होता है जब एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है, एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो क्या बनाता है? एक साल्ट बनता है और प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है। ये पढ़ा गया, सभी ने पढ़ा है। तो अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जब एल्युमिनियम के ऑक्साइड को दैट इज Al2O3 को हम किसी एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्लस क्या मिलता है? वाटर। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आप खुद देख पा रहे हैं कितने क्लोराइड हैं, तीन है, तो यहाँ पे 3 मोल हम लग सकते हैं। H2O अगर देखा जाए तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर H2O अगर हम लोग देखें, हम इसको लिख सकते हैं, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ये 6 मोल होगा और ये 2 मोल होगा, ये 3 होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन होता है कि एल्युमिनियम एसिड से रिएक्शन किया, बोलो साल्ट बनाया ब्यूक्लोराइड। अब इसी एल्युमिनियम के ऑक्साइड को अगर हम Al2O3 को किससे रिएक्ट कराते हैं? बेस से। वो बेस हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। अगर मैं इससे रिएक्ट कराता हूँ तो हमें मिलता है सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 और प्लस क्या मिलता है? H2O वाटर, ये मिलता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, अगर इसको आप बैलेंस करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सोडियम को लिखा है 2, यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा और H2O हमारा ये होगा। हम देख सकते हैं क्या 2 × 2 = 4 यहाँ पर है, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसका नाम होता है सोडियम एल्युमिनेट। क्या नाम होता है? सोडियम एल्युमिनेट। तो ये सोडियम एल्युमिनेट जो होता है एक सॉल्ट होता है। तो बताओ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा Al2O3 है ये कैसा है? बताओ इम्पोर्टेरिक है कि नहीं? इम्पोर्टेरिक है कि नहीं बताओ, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उस कमेंट करें, और इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे आपको ट्रिकी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।